हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ललिता मन्हास चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अमृतसरी कुलचे कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए बना लेते हैं अमृतसरी कुलचे। अमृतसरी कुलचे बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैदा। इसमें मैं डाल रही हूँ 2.5 टेबलस्पून बटर, 1/2 टीस्पून शुगर, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। और साथ ही मैं ले रही हूँ 3/4 कप मिल्क। सबसे पहले हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैदे को गूंदने से पहले इसे छान जरूर लें। और आपने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करना है, बेकिंग पाउडर का करना है। अब मैं इसमें दूध मिला के इसको गूंद लूंगी। दूध मैंने लिया है 3/4 कप। इसका सॉफ्ट डो हम तैयार करेंगे। अब हम इसे गीले कपड़े से ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। जब तक ये रेस्ट हो रहा है डो, तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए मैं ले रही हूँ 3 आलू, जिन्हें मैंने बॉईल करके पील कर लिया है। इनको हम अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे, मैश कर लेंगे इसको। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 प्याज, 1/2 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर, कद्दूकस किया हुआ, 1 छोटा चम्मच अदरक, 2 हरी मिर्च चॉप्ड, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टेबलस्पून क्रश्ड कोरिएंडर, धनिए को क्रश कर लिया मैंने, और 1 टीस्पून अनारदाना पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। अब हम इन सब को मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा डालेंगे नमक। थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालिए और 2 टेबलस्पून हरा धनिया। अब हम इस मिक्सर को स्टफिंग तैयार कर लेंगे। इसको मिक्स करके अच्छी तरह से इस तरह से हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। पंद्रह मिनट हो गए हैं डो को रेस्ट करते होते। अब हम इसे निकाल देंगे। थोड़ा सा मैदा छिड़क लीजिए और इसे फैला लीजिए। फैलाने के बाद हम इस पे बटर लगाएंगे। बटर की पतली सी लेयर लगानी है हमने इसके ऊपर। और इसे एक बार इस तरफ से और एक बार इस तरफ से फोल्ड कर लीजिए और इसे फिर से फैला लीजिए।
इस तरह से फैला के एक बार फिर से हम एक लेयर बटर की लगाएंगे। बटर आपका सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। आप इसे फ्रिज में से निकाल के पहले ही बाहर रख दीजिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इस तरह से एक लेयर और लगा दी हमने। अब हम इसको एक बार फिर से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके फिर से थोड़ा सा फैला लीजिए और अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। आप जितने बड़े बनाना चाहते हैं या छोटे बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप पेड़े बना लीजिए। थोड़ा सा मैदा छिड़क के इसको हल्का सा बेल लीजिए या हाथ से ही प्रेस कर लीजिए। और उसके बाद इसमें स्टफिंग मिक्स रख के इसको इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। बंद कर देंगे हम इसे। और उसके बाद इसे हम बेल लेंगे। और इसे हम तवे पे सेक लेंगे। इसे हम अब गरम तवे पे सेक लेंगे। इसके ऊपर हल्का सा पानी लगा के धनिया स्प्रेड कर दीजिए। और दोनों तरफ से सेक लीजिए। हल्का सा बटर लगा सकते हैं आप इस पे। इस तरह से बन जाए तो हल्के हाथ से इनको इस तरह से थोड़ा सा क्रश करना है। तो लीजिए हमारे अमृतसरी कुलचे बनकर तैयार हैं। और ये 1.5 कप में मेरे 5 बने हैं। तो लीजिए हमारे अमृतसरी कुलचे बनकर तैयार हैं और ये बनाने में काफ़ी आसान है। नाम इसका सुनने में लगता है कि बहुत मुश्किल होगा बनाना, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और 1.5 कप मैदे में मेरे 5 कुलचे बने हैं। अगर आप इसे बड़े बनाएंगे तो 4 बन जाएंगे और छोटे बनाएंगे तो 6 बन जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से इन्हें बनाइए और बना के ज़रूर खाइए। तो मिलती हूँ एक और नई रेसिपी या DIY प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।